एन मिट्टी का काम भी आपको पसंद है, जैसा कि क्ले मॉडलिंग। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ अभी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। हम ये जो पैरट जो है ना, हम कलर लगाने का बात कर रहा हूँ, हम अभी कलर लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है? हम क्या करूँगा, हल्दी को लगाऊँगा पहले, देखा जाता है? हल्दी को थोड़ा लगाऊंगा, इधर भी हल्दी लगा दूंगा, आंखों का चारों तरफ हल्दी है, देखिए आंखों का चारों तरफ हल्दी है ना। मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ जैसे बिंदास। हम कलर लेके मजा लेना आता है हमको, बहुत अच्छा लगता है कलर को जितना लग, जैसे कि पैर में थोड़ा येलो से है, ठीक है, और घास का पैर में भी थोड़ा येलो है, जो फल है तो उसमें भी है। जस्ट आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। पेपर वाइट भी रखूँगा हम कुछ कुछ जगह में, इधर पे भी थोड़ा येलो है, इधर पे भी थोड़ा येलो है, ये तो मिक्स हो जाएगा बाद में, ठीक है? येलो का शंखा हम लगा रहा हूँ जहाँ जहाँ पे येलो चाहिए हमको। तो हम क्या करूँगा इसको, फिर हम लगाऊँगा लाइट ग्रीन। हम बोला था ना येलो की बात, नेक्स्ट टोन है लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन कहाँ कहाँ चाहिए हमको, हाँ जहाँ जहाँ चाहिए। इसमें पाथ में हम कलर लगा दूंगा ब्रास करके, वाटर सोलेबल है, वाटर के साथ अच्छा मिक्स हो जाता है। इधर पे भी थोड़ा ग्रीन लगा दूंगा मैं, ऐसे ही हमको मज़ा आता है कलर, जितना कलर आता है। तो गले में भी थोड़ा ग्रीन, इधर में भी थोड़ा ग्रीन, देखो बिंदास मज़ा करो, हाँ मज़ा आना चाहिए। देखो इसको हम बाद में ये टोन वाटर कलर डाल दूंगा तो अलग हो जाएगा, इसका देखने में अलग ही हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? अच्छा देखो पैर में भी थोड़ा डाल देता है, इधर भी। चलो ना, हमको क्या है कलरफुल बनाने की इच्छा है। ग्रीन खत्म हो गया, ग्रीन की बात आता है ब्लू। हाँ ब्लू इधर डाल दूंगा थोड़ा, और ये क्यों हो गया, एक मिनट, हाँ हाँ ओके, ब्लू हम डाल दूंगा, इधर डाल दूंगा, तो इधर भी हम थोड़ा ब्लू डाल दूंगा, और इधर भी थोड़ा ब्लू डाल दूंगा, क्योंकि कलर लेके जितना कलर लगाओ इतना मस्त है कोई भी। इधर भी थोड़ा ब्लू, इधर भी थोड़ा, आँखों में भी थोड़ा ब्लू। हाँ देखो हम तो बिंदास कलर लगाता हूँ, भय डरने का नहीं कलर लगाने का टाइम में। फिर अभी रेड का, हाँ होठों में तो रेड ही है हमको मालूम है पहले से ही, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा मजा ले रहा हूँ। तो आँखों में भी थोड़ा रेड दिखाई दिया, यहाँ पे तो थोड़ा गले में तो थोड़ा डार्क टोन है, हाँ और पैर में भी हम थोड़ा रेड लगा दूंगा, हाँ पैर के ट्रांक में भी थोड़ा रेड लगा दूंगा, और इधर पे भी थोड़ा रेड लगा दूंगा, इधर पे भी थोड़ा। इसको बाद में मज़ा आएगा देखना, हम मिक्स करेगा ना, दिखाई देता है? अभी देखना, इधर पे भी थोड़ा रेड लगा दूंगा, जो जो जगह में हमको थोड़ा भूल गया था, पैर में भी थोड़ा ब्लू लगा दूंगा, इधर पे भी थोड़ा, हाँ इधर पे भी थोड़ा, हाँ इसको इंटरेस्ट करने का हमको, वेरी इंटरेस्टिंग जितना हो सके। हाँ देखो अभी हम उसको कलर में कैसे निकलता है, देखो देखना, देखा टोन, देखा कैसा है, इंटरेस्टिंग लगा ना? अभी देखो
देखा, मजा आया ना। उसको थोड़ा और थोड़ा येलो डालते आंखों में, आंख थोड़ा येलो होने से और मजा आएगा। ये ड्राई होने के बाद में भी काम कर सकता है। देखा, कलर भी निकल सकता है ऐसा। फिर देखो, पानी से खेल रहा अभी। ये तो जस्ट जल्दी देखा रहा हूँ आपको, आपको जस्ट आइडिया लेने के लिए। जितना कलर आएगा इतना मजा आएगा, कोई भी पेंटिंग में जितना कलर आएगा इतना मजा आता है ना। देखो इसको हमने, ये फास्ट कोटिंग है, ठीक है, फास्ट कोटिंग है। हाँ, इसको ड्राई होने दो, फिर दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, आपका अभी दिखाइए, आपको कलर करके आपको थोड़ा आइडिया मिल गया ना। कलर ग्रीन में भी बहुत सारी टोन आ सकता है, मालूम हो गया ना अभी। हाँ, आपका दिखाइए, एक मिनट में देखा, आपको दिखाइए, आपका दिखाइए अभी, आप जो कर रहा है इसको कलर लगा के दिखाइए। हाँ, पहले लाइट से शुरू करने का स्नेक दिता, ओके, और कलर की कलर बहुत सारी कलर यूज करिए। और आपकी जो पेंटिंग है आपको दिखाई देना चाहिए। हाँ, डरिए मत, एकदम आराम से कलर लगाए।
कलर और पानी से खेलिए, कुछ कुछ जगह में कलर ज्यादा पानी कम, कुछ कुछ जगह में पानी और कलर आधा आधा, कुछ कुछ जगह में पानी ज्यादा कलर कम। हाँ तो उसमें क्या होगा, मजा आएगा। टोन तो कलर जब गीला होता है उस टाइम में दूसरा कलर भी लगाइए, ग्रीन ब्लू ऑरेंज जो भी है गीला की टाइम में। तो इसके बाद थोड़ा ड्राई होने के बाद फिर उसको सेकेंड डायमेंशन दीजिए, लेकिन कलर लीजिए ठीक से। आप भी काम करिए, हम भी कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरा काम में क्यों एक चीज भूल गया, बैकग्राउंड देना। हम बैकग्राउंड दे रहा हूँ अभी। हाँ आप भी करिए, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ। कहाँ पे? एक जंगल में है, और जंगल बनाने का मेरे को। फुर्सत में थोड़ा थोड़ा देखिए, मैं भी जो कर रहा हूँ हाँ वो भी आपको अच्छा लगेगा। मैं ग्राउंड बना रहा हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बनाना भूल गया था, बहुत जरूरी है। हम सब कलर की मजा ले रहा हो, क्योंकि कलर को ज्यादा मिक्स करेगा तो ग्रे हो जाता है, अब इसीलिए उसको भी ख्याल रख रहा हूं हम। अच्छा बना रहे हैं आप। कभी कभी ना ब्रश स्ट्रोक रख दीजिए पानी के साथ, उसको ड्राई होने दीजिए, ठीक है। वेरी गुड।
हर जगह एक टोन नहीं होना चाहिए, ठीक है? कहीं पे लेस लाइट, कहीं पे डरिए मत। अभी खत्म करने का ऐसा नहीं है स्निग्धिता, उसको बाद में भी खत्म कर सकता है, ठीक है ना? तो बैकग्राउंड बाद में करिए, अभी पक्षी को बनाइए आराम से। हाँ, पैरट को। और एक चीज तो याद रहे ना, लाइट से डार्क टोन करना इजी है ना? कौन कौन हॉल दे।